हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 7 विषय गणित, अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन, आज प्रश्न 3.3 आपको सोल्व कराऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखो बच्चों, इसका पहला सवाल, सामने दिए दंड आलेख से, ये सामने एक दंड आलेख दिया हुआ है, सामने दिए दंड आलेख से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो बच्चों, बड़ा ही सरल सवाल है ये। इसमें कुत्ते, ये कुत्तों की संख्या कितनी है? 8। तो विद्यार्थी द्वारा पाले गए पशु तो हमारे हैं कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश, हेमस्टर, अन्य। कुछ विद्यार्थी कुत्ते पालते हैं, कुछ बिल्लियां, कुछ खरगोश, कुछ हेमस्टर, कुछ अन्य पशु पालते हैं, और कुछ विद्यार्थियों की संख्या इधर दे रखी है और पशुओं की संख्या इधर दे रखी है, राइट। तो देखिए बच्चों, कुत्ते, कुत्ते ध्यान देना, कितने विद्यार्थी पालते हैं? 8। आए समझ में? बिल्लियों को कितने विद्यार्थी पालते हैं? 10 विद्यार्थी। खरगोश को 2 विद्यार्थी पालते हैं। हेमस्टर को कितने पालते हैं? ये 4 और 6 के बीच लगभग 5। और अन्य को कितना पालते हैं? पे 2 और 4 के बीच लगभग 3 विद्यार्थी अन्य पशु पालते हैं। अब हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? तो लोकप्रिय कौन सा होगा? जिस पशु को ज्यादा पाला जाता है वही पशु तो लोकप्रिय होता है। तो सबसे अधिक बताओ कौन से पशु को पाला जा रहा है? यहां पर देखिए बिल्लियां, 10 विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? बिल्लियों को पाल रहे हैं। तो बिल्लियों को ज्यादा विद्यार्थी पालते हैं, इसलिए अधिक लोकप्रिय पशु कौन सा हुआ? बिल्लियां। तो लिखेंगे इसका आंसर, ध्यान देना, बिल्लियां अधिक लोकप्रिय है, बिल्लियां अधिक लोकप्रिय है, अधिक लोकप्रिय है, राइट। दूसरे देखो कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? तो कुत्ते देखो यहां से लेके कितने विद्यार्थी? 8। तो यहां पे देखो कुत्तों को कितने विद्यार्थी पालते हैं? 8 विद्यार्थी। तो लिखेंगे इसका आंसर, देखो बच्चों इस कितने की जगह लिखेंगे 8। 8 विद्यार्थी का पालतू पशु कुत्ता है, राइट। अब बच्चों इसके बाद में हम आगे सवाल नंबर 2 सोल्व करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, सवाल नंबर 2, हमारे पास एक दंड आलेख है, इसमें पुस्तकों की संख्या लिखी है, इधर ये वर्ष है कि कौन से वर्ष में कितने पुस्तकें बिकी गई। तुम्हारा सवाल है, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है, और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बड़े इनको देखिए, जब हमको उत्तर देना है। पहला प्रश्न, वर्ष 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक वर्ष में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई? हमें 3 वर्षों का पता करना है। ध्यान से, पहले सवाल में 1989 में, 1990 में, 1992 में, इसमें लिखा है 1989, 1990, 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई? तो 1989 का पता करेंगे। पहले देखो, 1989 में कहते हैं स्केल क्या हमारा 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें, यानी यहां से लेके ये 1 इकाई, ये 100 पुस्तकें, फिर यहां से लेके ये 1 इकाई, ये 1 इकाई, ये 1 इकाई, 1 इकाई का मतलब 100 पुस्तकें पैमाना है हमारा स्केल। इसके 10 भाग होते हैं अंदर, इसके अंदर छोटे छोटे कितने भाग होते हैं? ये 10 भाग होते हैं। एक छोटा भाग का मतलब हो गया कितना? 10 पुस्तकें। तो हमारे पास क्या है? देखो, न तो ये 100 पर है 1989 वाला, ठीक है,
मैं 200 पर है, 200 से लगभग कितना कम हो गया, एक और एक ये दो कम हो गया, दो कम करो 20 कम कर देंगे तो 180। तो 1989 में लगभग हम लिखेंगे, पूरी फिक्स नहीं है, लगभग लिखेंगे, लगभग 200 से कम है थोड़ी सी, कि दो लाइन कम, एक लाइन का 10 और 10 लाइन का 100 हो जाएगा, तो ये एक इकाई कितनी होगी, 100 पुस्तकें। देखो 1989 में लगभग 180 पुस्तकें बेची गई, इस पहले का आंसर आ गया। फिर देखो 1990 में, अब 1990 में देखो कितना है, ये 500 से कम है, कितने कम है, ये ध्यान दो, एक दो ढाई, लगभग ढाई लाइन कम है, तो एक छोटी लाइन का 10, दो का 20 और आधी का 5, तो 25 कम कर देंगे 500 में से, 525 गए 475। तो 1990 में क्योंकि ये क्या 1990 वाली नहीं तो 500 पर है, नहीं 400 पर है, 500 से थोड़ा नीचे ढाई लाइन कम, तो यह कितना होगा, 1990 में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई, ठीक है। अब 1992 में इस पूछा गया 1992 में कितनी बेची गई, तो 1992 ये रहा, देखो कहां पे हमारे पास ये रहा, ये रहा, ये 200 से थोड़ा सा ऊपर है, एक दो ढाई 25, तो लगभग कितनी हो गई है, 1992 में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई, ये हो गया पहले का आंसर। लगभग लिखना पड़ेगा क्योंकि फिक्स नहीं है, ये लगभग है। इसी का दूसरा प्रश्न देखो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, इसमें तो देखो दूसरा सवाल है, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई और किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। तो देखो मतलब 475 ये रहा 1990 में और 225 ये रहा 1992 में, तो लिखेंगे वर्ष 475 कब बेची गई, 1990 में, तो वर्ष 1990 में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई, राइट, ये हो गया इसका आंसर। और किस वर्ष में 225 पुस्तकें लगभग बेची गई, तो वर्ष ये रहा 1992 में 225, तो बस 1992 में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। अब तीसरे में लिखा देखो ध्यान से, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई, तो देखो बच्चों 250 से कम किस वर्ष में बेची गई, देखो 250 से कम ये 1992 में, 180 ये 1989 में, तो एक तो ये आएगा, एक ये आएगा, आए समझ में, एक तो आएगा 1989 और एक आ गया 1992, तो 1992 में 250 से कम बेची गई, 1989 में 180 यानी 250 से कम बेची गई, तो लिखेंगे वर्ष 1989 तथा 1992 में 250 से कम पुस्तकें बेची गई, राइट, ये आंसर आ गया। अब देखिए चौथा क्या है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे, मतलब 1989 में पुस्तकें कितनी बेची गई आप कैसे पता करेंगे, ये रहा 1989 में कितनी बेची गई, 180 कैसे पता
ग्राफ को देखकर, तो लिखेंगे हम इसका उत्तर, ग्राफ को देखकर। इसमें लिखा कि आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 बेटी की पुस्तक को आगमन किस प्रकार करेंगे, ग्राफ को देखकर। तो इसका उत्तर क्या आएगा, प्रश्न क्या है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसमें, ग्राफ को देखकर हम आकलन करेंगे। ग्राफ को देखकर 1989 में 180 पुस्तकें बेची गई, कैसे पता करेंगे हम, इस ग्राफ को देखकर पता करेंगे, ग्राफ को देखकर हम आकलन करेंगे 1989 में 180 पुस्तकें बेची गई। बच्चों आप इसका स्क्रीन शॉट उतारो, इसके बाद में आपको अगला सवाल नंबर 3 सॉल्व करूंगा। देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारी तालिका है, ऊपर कक्षा है और नीचे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या दिखाई गई है। कक्षा 5 में 135 विद्यार्थी, कक्षा 6 में 120, कक्षा 7 में 95, कक्षा 8 में 100, कक्षा 9 में 90, कक्षा 10 में 80 विद्यार्थी हैं। इन आंकड़ों से दंडालेख बनाइए, अपनों के दंडालेख बनाना है, फिर हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। नंबर ए, आप स्केल किस प्रकार सुनेंगे, हम एक आलेख बनाएंगे दंडालेख, उसके लिए हमको पैमाना चाहिए स्केल, तो पैमाना कैसे मानेंगे, पैमाना देखो बच्चों यहाँ पे 135 है, 120, 95, ये 100, ये 90, ये 80, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे सभी में इकाई का क्या है, शून्य शून्य शून्य, ये 5, ये शून्य, ये 5, 5 है या शून्य है, तो हम जब इसका पैमाना मानेंगे तो अपने हिसाब से पैमाना तो कुछ भी मान सकते हैं हम, लेकिन सरलता के लिए पैमाना यदि हम एक इकाई बराबर 10 मानेंगे तो ठीक रहेगा, एक इकाई बराबर क्या मानेंगे, 10 विद्यार्थी मानेंगे तो ठीक रहेगा। तो देखिए बच्चों इसमें स्केल क्या मानेंगे अपन, एक इकाई बराबर 10 विद्यार्थी, राइट, ये हम पैमाना मानेंगे। अब इसके हिसाब से अपन क्या बनाएंगे, एक इसका दंडालेख बनाएंगे, देखो मैं दंडालेख बना रहा हूं, देखिए इसका दंडालेख बनाएंगे हम, याद है ना, यहां लिखेंगे अपन वाई, लिखते हैं हमेशा यहां जीरो और यहां पे लिखते हैं एक्स, ये याद करना आप। अब देखो बच्चों यहां पे, यहां से करेंगे अपन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40, ऐसा ऐसा हो जाएगा। यहां से एक इकाई हो गया तो ये हो गया कितना, 10, 20, 30, 40, ये तो हमने पैमाना माना ना इसी के हिसाब से, ये 10 की टेबल बन जाएगी, एक इकाई बराबर 10 विद्यार्थी तो 10 की टेबल बन जाएगी, ऐसे एक इकाई बराबर 5 तो 5 की टेबल बन जाएगी, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 और यहां लिखेंगे अपन वाई, ठीक है। अब पांचवी कक्षा में कितने विद्यार्थी, 135, तो 135 कहां आएगा, 130 और 40 के बीच में आएगा बच्चों, कक्षा कौन सी है, 5, कक्षा 6 में 120 है, तो 120 का मेरे पास ये रहा, 120 है ये, थोड़ी जगह छोड़ के, थोड़ी जगह छोड़ के बनाना, ये लो ये 120, ये कक्षा 6 का हो गया। कक्षा 7 है 95 है, 95 का आएगा 100 के 90 के बीच में, यह आएगा 95 आ गया, ये कक्षा कौन सा हो गया, 7,
कक्षा आठ पूरी पूरे 100 है और 100 मेरे पास ये रहा, ये 100, ये हमारी कक्षा कौन सी हुई आठ, 9 में हमारे पास 90 है, ये 90 है, ऐसे डंडा नहीं बन जाएगा राइट। और कक्षा 10 में कितने हमारे पास 80, तो ये 80 सीध में यहां ये लो, ये कक्षा 10 का हो गया, ये बन गया हमारा डंडा लेख राइट। अब देखो प्रश्न को उत्तर देना, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम और न्यूनतम है, तो आपको देख के मालूम पड़ जाएगा सबसे अधिक विद्यार्थी कौन सी कक्षा में, देखो ये जा रही ऊंची, ये डंडा लेख सबसे ऊंचा है, ये कौन सी कक्षा में पांचवें, और सबसे कम किस में है, कक्षा 10 में, तो लिखेंगे इसका आंसर कक्षा, देखो सबसे अधिक किसमें है, सबसे अधिक गिरा कक्षा पांचवें, इधर क्या कक्षाएं, ये हमारी क्या इधर कक्षाएं हैं, और इधर क्या हमारे पास विद्यार्थी संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या है, इधर कक्षाएं क्या कक्षा लिख दो आप, ये ठीक है, तो कक्षा 5 में अधिकतम तथा कक्षा 10 में सबसे कम विद्यार्थी हैं। बच्चों बड़ी ही सरल दंडालेख है, आपको देख के मान पड़ जाएगा सबसे अधिक विद्यार्थी कक्षा 5 में है, सबसे कम विद्यार्थी कक्षा 10 में है, कक्षा 10 में सबसे कम विद्यार्थी है, तो यह उत्तर भी आपको आ गया ठीक है। अब देखो बच्चों लिखा कक्षा 6 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए, देखो कैसे ज्ञात करेंगे, कक्षा 6 में विद्यार्थी का अनुपात कक्षा 8 में विद्यार्थियों की संख्या के साथ ज्ञात करेंगे, कक्षा 6 में विद्यार्थी कक्षा 8 में विद्यार्थी इन दोनों का क्या ज्ञात करेंगे अनुपात। तो देखो बच्चों अब कक्षा 6 में कितने विद्यार्थी 120 और कक्षा 8 में कितने हमारे पास है देखो यहां पे 100। अब इनका अपन अनुपात बनाएंगे सरल अनुपात, 1 से 1 0 कट गई, अब 12 बच गए यहां पे और 10 बच गए यहां पे, तो 12 और 10 किससे कटती है 2 से, 2 का भाग लेंगे इसमें आएगा 6 और 2 का भाग लेंगे इसमें आएगा 5, तो अनुपात कितना बन गया कक्षा 6 में विद्यार्थी कक्षा 8 विद्यार्थियों का अनुपात हमने ज्ञात कर लिया, कक्षा 6 और कक्षा 8 विद्यार्थियों का अनुपात कितना गया 6 अनुपात 5, ये आ गया कक्षा 6 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों का अनुपात। तो मैं आशा कर सकता हूं बच्चों कि आपके ये सवाल बड़े अच्छी तरह समझ में आए होंगे आज, तो आप इन तीनों सवालों को अपनी नोटबुक में उतारना और इनका अभ्यास करना, इसके बाद आगे के सवाल मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।